ओम श्री गणेशाय नमः मित्रों मित्रों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं ये कुरुणेव ताज़ा वीडियो। यह वीडियो आप सभी कर्ण राशि वाले जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के जीवन में दो बड़ी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली है। बहुत ही सारी खबरें आपको प्राप्त होने वाली हैं, परंतु आपको समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ सकता है। समय के साथ आपको दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति होंगे, जमीन जायदाद लेने का मौका मिलेगा, घर बनाने का मौका मिलेगा, वाहन कार इत्यादि अपने शान शौकत में बढ़ोतरी करने के मौके प्राप्त तो होने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, कौन सा कार्य क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता रह सकती है, तो आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। तो वीडियो के लगातार अंत तक देखिएगा, उससे पहले इस वीडियो को कोई सा भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखने का प्रयास करें। तो दोस्तों आप सभी के लोगों को जीवन में कहेंगे किसी भी चीज़ को लेकर शॉर्टकट अपनाना बिल्कुल नहीं है। जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण जरूर होगा, ग्राहक गोचर का साथ प्राप्ति होगा, आज आप कुछ नए संबंध बन सकते हैं जो कि भाग्य उदयदायक रहेंगे। आज आप सभी के लोगों के जीवन में समस्या का कारण भी हो सकता है, कुछ नए संबंध बन सकते हैं जो कि आपके लिए भाग्य उदयदायक रहेंगे। आपकी किसी समस्याओं का निवारण होगा, नई परियोजनाओं पर विचार विमर्श होगा। कुछ समय रोचक और ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। जी हाँ दोस्तों, जरूर व्यतीत करें, इनसे आप लोगों के व्यक्तिगत में आश्चर्यजनक संक्रात्मक परिवर्तन आएगा। आर्थिक मामलों में लेकर बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत रहेंगी। घर के वरिष्ठ लोगों के मान सम्मान का ध्यान रखें, बच्चों के साथ उनके समस्याओं को सुलझाने में आपका योगदान रहेगा। कोई भी चीज़ों को लेकर सरकारी मामला अटका हुआ है तो आज पहले उसकी तरह से आप लोगों को पहले ही तरह रह सकते हैं। बिजनेस की गतिविधियों में बदलाव होंगे, नए काम को लेकर विचार विमर्श होगा, उसके लिए अत्यधिक मेहनत की जरूरत रहेगी। अपनी योजनाओं कार्यप्रणाली को किसी के समक्ष जाहिर न करें। नौकरी पैसा वाले लोग अपने कार्यों पर बहुत ही ज़्यादा सावधानी से कार्य करेंगे। वैवाहिक संबंधों में किसी भी बात को लेकर कुछ बात विवाद की स्थिति बन सकती है, तनाव की वजह अपनी सूझबूझ से समस्या का हल भी निकाल सकते हैं। प्रेम संबंधों में अस्थिरता रहेंगे, ज़्यादा मेहनत और थकान की वजह से कमजोरी आ सकती है। पौष्टिक आहार लेना होगा तथा अपने आराम के लिए ज़रूर कुछ समय निकालने होंगे। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खुद को प्रेरित बनाए रखना होगा। कमाई के स्रोत वक्त के अनुसार मिलते रहेंगे। आज केवल खुद के बल पर कार्य पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल न करने की वजह से तनाव हो सकता है। अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अग्रताओं के साथ कार्य करें, काम और व्यक्तिगत जीवन में गंभीरता बनाए रखें और आज करियर से जुड़े निर्णय को लेने से पहले अपनी क्षमता का ध्यान रखें। पार्टनर्स के साथ संयम के साथ बातचीत करें, बदन में दर्द के तकड़ेपन दूर होने आराम करने गए तो राहत प्राप्ति होगा और आपको ग्राहक गोचर का साथ प्राप्त होने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है। पारिवारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में आपका विशेष योगदान देने वाला है। घर की व्यवस्थाओं को अनुशासित बनाए रखने में आप कामयाब होने वाले हैं। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल जाने से मन प्रसन्न होने वाला है। पारिवारिक मामलों में आपका योगदान जरूर रहेगा। किसी की आलोचनाओं पर ध्यान देना नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता से कार्य करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता से कार्य युवा लोग मित्रता निभाने के चक्र में अपने खुद के काम अधूरे छोड़ सकते हैं, इस वजह से अपना नुकसान कर बैठेंगे। आज कार्य क्षेत्र में कोई भी महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है, परंतु कार्य बिना व्यवधान से संपन्न नहीं होंगे। आज इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। कंपटीशन के माहौल में अधिक मेहनत की जरूरत रहेंगे। सरकारी नौकरी पैसा वाले लोगों को अधिकारियों के साथ कोई दिक्कत हो सकती है और आज के दिन पति पत्नी के संबंध मधुर बन सकते हैं। बेबत्तर संबंधों से दूरी बनाए रखना होगा, इसकी जांच आपको जरूर करने हैं। और अंत की वजह से परिवार में तनाव हो सकता है और आज के दिन आपके जीवन में तनाव हो सकता है। उत्पन्न वर्तमान मौसम को लेकर भी दुष्प्रभाव से बचने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक आपको सेवन करने होंगे। दिनचर्या को संतुलित बनाए रखने होंगे और आज आपका दिन शुभ रात्रि कार्य होने वाले हैं। जय माँ बिंदावासिनी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा की मनोकामना जरूर।